प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कभी शिवपाल यादव का भाजपा में स्वागत करते हैं तो कभी कह देते हैं कि भाजपा में जगह ही नहीं है। शिवपाल को लेकर तीखे बयानों से हटकर केशव प्रसाद मौर्य ने गोरखपुर में रविवार की देर शाम गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गेट पर हुए हमले पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, गोरखनाथ मंदिर में अवैध रूप से घुसने एवं सुरक्षा कर्मियों पर हमले का प्रयास अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। प्रदेश सरकार ने इस घटना के जांच निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, गोरखपुर मंदिर की घटना पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर से कहा है कि मंदिर की दुर्घटना निंदनीय है, ऐसा अपराध करके कोई भला शांति से कैसे रह सकता है, ऐसा अपराध करके कोई बचेगा नहीं। जानकारी दे दे, गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले को लेकर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। जांच के आदेश निर्देश दिए जा चुके हैं और ETS की टीम इस मामले की जांच करने में जुट गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।